मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूँ, है किसी को हिम्मत? जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया। भाइयों से कहना चाहता हूँ, वोट की जरूरत पड़ेगी तभी उसको हिंदू बनाओगे, बाकी मंदिर में घुसने नहीं दोगे। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं कही कि मंदिर के रास्ते मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं। गैस चूल्हा की कीमत सत्ता प्राप्ति के समय में 400 के आसपास था, एक सिलेंडर की कीमत अभी क्या है भाई, घटाए हो 200 रुपया तो भी 1000 के ऊपर है, और पता नहीं चुनाव के बाद कहां तक जाएगा। पूरी तरह से फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं कही। फतेह बहादुर सिंह जी ने माता सावित्री बाई फूले के उक्ति को कोट किया, और उन्होंने कोट किया, आपको पता है कि मंदिर के रास्ते मानसिक गुलामी की ओर जाते हैं और स्कूल विद्यालय के रास्ते जीवन में प्रकाश की ओर ले जाता है, अपनी बात उन्होंने नहीं कही। तो भाई इसके विरुद्ध में फतवा आने लगा, 10 लाख पता नहीं करोड़ गर्दन का जीव का। मैं आप लोगों के साथ किसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन फतवा देने वाले के विरुद्ध किसने एक बयान भी दिया? यह 1990 के पहले का बिहार नहीं है, यह 1990 के बाद का सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा सींचा गया बिहार है। कोई हिम्मत करेगा तो जवाब देगा, एकलव्य का संतान, शहीद जगदेव प्रसाद का संतान। और उसी को कोट करते हुए मैंने दोहराया कि साहब माता सावित्री बाई फूले की बातों को अगर हमारे माननीय विधायक ने कहा तो उस पर जीव और गर्दन की कीमत लगाने वाले को चुनौती है। भाई हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए माता सावित्री बाई फूले कौन है भाई, जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जो जिनको दो दो साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में, बीबी फातिमा शेख उसको उसका संरक्षण करती थी, आज उनका जन्मदिन मना के आया हूँ। गंदगी और यहाँ तक कि बिस्ठा भी फेंका जाता था, अब समझिए जरा उनकी पीड़ा को। और उनकी पीड़ा से निकली बातें अगर हम कहते हैं जीविका एक यक्ष प्रश्न है कि नहीं हमारे बेरोजगारों के सामने, अगर स्कूल के रास्ते लोग नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का विषय है मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत? रोकने वाले खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ? देश के राष्ट्रपति धर्मपत्नी के साथ गए, बीबीसी न्यूज है, कोई ऐसे सड़क पर है, और उसको साहब तुमने मंदिर में जाने से रोक दिया, उसके खिलाफ नोटिस हुआ। ये उस समय के राष्ट्रपति जीतन बाबू मांझी, जनसत्ता का रिपोर्टिंग, जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया, रोका नहीं गया, मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, मगर गंगा जल से लोगों ने धोया, ये सबको मालूम, आपको भी मालूम। भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आपको एकलव्य और सबरी के बेटे का वोट नहीं चाहिए? क्या आप उसको जब चंदा और श्रम की जरूरत पड़ेगी, वोट की जरूरत पड़ेगी तभी उसको हिंदू बनाओगे, बाकी मंदिर में घुसने नहीं दोगे? ये बड़ा उदाहरण है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।